स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश और आज की वीडियो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास टेंथ मैथ के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको 100% मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। 100% ऐसे प्रश्न मैं आज लेकर आया हूं, इन प्रश्न को थोड़ा सा भी आपको मिस नहीं करना है। सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाने वाले हैं 2023 में, यहां से जरूर प्रश्न बनता है, हमेशा प्रश्न बनता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और पहला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आप लोगों को वीडियो हर एक सब्जेक्ट को देखने को मिलेगी। तो देखिए पहला प्रश्न यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कोई दो संख्या है उनका अंतर कितना दे रखा है 26 है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई दो संख्या हमें बताइए कि जिन दो संख्याओं का अंतर तो 26 हो, पहला कंडीशन, और एक उसमें से जो संख्या होगी दूसरी संख्या की कितने गुनी होगी, 3 गुनी होगी, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए संख्या तुमको मालूम नहीं है, सबसे पहले हम लोग संख्या को मान लेंगे, ठीक है। संख्या तुमको मालूम नहीं है, जब हल करेंगे हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल। देखिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आ चुका है, तो हल में हम लोग लिखेंगे सिंपल कि माना दो संख्याएं, क्या मानेंगे कि माना दो संख्याएं, क्योंकि संख्या हमको दो संख्या तो मालूम नहीं है तो ये मान रहे हैं हम, माना दो संख्याएं x तथा y है, ठीक है। माना दो संख्या x तथा y है, ठीक है। हमने एक संख्या को x मान लिया और दूसरे संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है। ये दो संख्या हमने माना, माना दो संख्या x तथा y है, और सपोज दैट हम मान लेते हैं कि जो x है वह y से क्या है, बड़ा है, क्योंकि कोई भी दो संख्या होगा तो एक संख्या तो बड़ा होगा, एक संख्या तो छोटा होगा, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो x को हमने बड़ा मान लिया और y को हमने छोटा मान लिया। तो माना दो संख्या x तथा y है और x जो है बड़ा है y से। अब हमको देखिए पहले ही बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या हमने x माना है और एक संख्या हमने y माना है, इनका अंतर 26 है। तो सबको मालूम है कि बड़े में से अगर मैं छोटे को घटा देता हूं तो अंतर मालूम चलता है, तो बड़े में से छोटे घटाऊंगा तो अंतर कितना दरकार है 26, मतलब x माइनस वाई बराबर 1। यहां तो समीकरण नंबर पहला आपको मिल गया, ये समीकरण नंबर क्या है आपका पहला, तुरंत तैयार हो गया आप लोगों का। फिर एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पर बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या हमको मतलब कि जो x है ना वो दूसरी संख्या y की कितने गुनी है, तो 3 गुनी है, बस सिंपल। अरे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यहां से समीकरण आपका बन गया क्या दूसरा, इसे हल करेंगे तो x बराबर 3 गुणे y का मतलब होता है 3y, और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखिए, अब समीकरण दूसरा का मान चुपचाप आपको समीकरण एक में रख देना है, ठीक है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, लिखना पड़ेगा वहां पे एग्जाम में कि समीकरण दो का मान, यहां पे लिखेंगे समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो करना क्या है, जहां x बराबर को दे रखा है 3y, जहां पे भी x दिखेगा वहां पे मैं 3y लगा दूंगा, बस हो जाएगा आपका। तो चलिए समीकरण एक में रखना, देखिए पहले ही x आ गया, पहले x आ गया तो मैं क्या लिखूंगा 3y, फिर माइनस यहां पे दे रखा है y बराबर यहां पे दे रखा है 26, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो 3y में से y चला जाएगा तो बच जाएगा आपका 2y, 2y बराबर बच गया इधर कितना 26, ठीक है। अब यहां से y के बारे में निकालना चाहूं तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे हो जाएगा यहाँ पे 2, अब यहां से काट दूंगा तो देखेंगे कि y बराबर आपका आ गया 13, y बराबर क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है सिंपल। अब y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण एक में रखिए या तो समीकरण दो में, तो हमको हालांकि समीकरण दो में रखना आसान पड़ेगा, इसे लिखेंगे y बराबर 13 का मान, y बराबर 13 का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पे, ठीक है। आराम से वहां पे रखेंगे तो आपका x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 13 का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो हमारे पास क्या है x बराबर है 3y, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे y का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना 13 दे रखा है, ठीक है। x बराबर 3y था तो x बराबर 3 गुणे y का वैल्यू 13 हमने रख दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 × 3 = 39 हो जाएगा, और x वैल्यू ये आ गया। तो देखिए हमने x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13, ये इसका हल होगा, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह सवाल था, और यह प्रश्न सब बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड ये प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं तो इस बार आएंगे, और एकदम आंख बंद करके भरोसा करके इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा मार्क्स आप लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही ज्यादा स्टार आप बना लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है कि जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, उसी दो कोणों का योग 180 अंश हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो सिंपल, तो चलिए मानते हैं कोई दो कोण, तो लिखेंगे कि माना माना दो संपूरक कोण, लिखेंगे कि माना दो संपूरक कोण। तो माना दो संपूरक कोण को मान लेते हैं, एक कोण को यक्स मान लेते हैं, यक्स डिग्री मान लेते हैं, तथा दूसरा जो कोण उसको हम वाई डिग्री मान लेते हैं, वाई डिग्री है। ठीक है, दो संपूरक कोण यक्स डिग्री तथा वाई डिग्री है, और इसमें मान लेते हैं कि यक्स जो है वाई से क्या है, बड़ा है, यक्स जो है वाई से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बोला कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो होगा ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए संपूरक कोण कब होगा, जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि यक्स प्लस वाई अगर हम जोड़ेंगे तो 180 अंश होना चाहिए। ये तो बस संपूरक कोण बोला है, तो उसी से इक्वेशन आपका बन गया, एक इक्वेशन तो यहीं से बन गया कि दो संपूरक कोण मतलब यक्स और वाई जोड़ने पर 180 अंश होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन बोला है कि बड़ा कोण ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण मतलब यक्स, छोटे कोण मतलब वाई से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण यक्स छोटे कोण वाई से 18 डिग्री अधिक है। सिंपल, ये समीकरण नंबर आपको क्या मिल गया, यहाँ पे दूसरा मिल गया। अब सिंपल समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहले में रख दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि समीकरण दूसरे का मान, ठीक है, समीकरण दूसरे का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पे, तो सिंपल चलिए रख लेते हैं, करना क्या है, तो समीकरण इसका वैल्यू इसमें रखना है। तो जहां पे भी यक्स आएगा ना वहां पे मैं वाई प्लस 18 लिखूंगा, तो यक्स आ गया ना तो मैं लिखूंगा वाई प्लस 18, और फिर प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 180 अंश, 180 अंश उतार दूंगा। इसके बाद वाई वाई मिलके तो आपका कितना हो जाएगा 2y, और प्लस इधर हो जाएगा आपका 18 बराबर 180 अंश। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद हम बात करें तो 2y का वैल्यू निकालें, 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश, और प्लस 18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 18 हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं 2y का वैल्यू निकालूं तो 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 162 बचेगा। अगर मैं यहां से y के वैल्यू निकालूं तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे 2, क्योंकि गुणा में उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो y बराबर कितना जाएगा 2 8 16, 2 1 2 81 डिग्री, y बराबर कितना जाएगा 81 डिग्री। अब y के वैल्यू किस में रख लीजिए समीकरण दूसरा में, तो लिखेंगे कि y बराबर 81 डिग्री का मान समीकरण किस में रखने पे, समीकरण दो में रखने पे, समीकरण दो में रखने पे, समीकरण दो में रखने को, चलिए रख लेते हैं समीकरण दो। समीकरण दो हमारे पास क्या है भाई, तो समीकरण दो है यक्स बराबर वाई प्लस 18 है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको वाई दिखेगा वहां पे कैसे लिखेंगे, तो यक्स बराबर वाई, वाई को कितना दे रखा है यहाँ पे 81, और प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 18 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स बराबर कितना 99 अंश। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू तो कितना आ गया 99 आ गया, और वाई का वैल्यू कितना आ गया 81। ये संपूरक कोण है, देखिए संपूरक कोण आ गया, इन दोनों कोणों का योग कितना अंश होगा, देखिए 180 अंश हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, मतलब हमारा सवाल एकदम बिल्कुल क्या है, सही है। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस सारे प्रश्नों को आप एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम एग्जाम में जरूर आएगा ये सारे प्रश्न, और अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, इसके भी आप डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना लीजिए, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, कह रहा ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, एकदम सिंपल है। कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमसे लास्ट में भिन्न पूछा है कि कोई ऐसा भिन्न बताइए कि जिसके अंश और हर दोनों में जोड़ते हैं तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, कोई ऐसी भिन्न हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर लिखेंगे, भिन्न क्या होता है, भिन्न वो होता है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे उस भिन्न को मान लेंगे, लिखेंगे माना भिन्न, लिखेंगे कि माना जो भिन्न है वो आपका यक्स बटे वाई है, यक्स बटे क्या है वाई है, मान लिया वो भिन्न क्या है यक्स बटे वाई, जहां पे यक्स अंश है वाई हर है आपका। ठीक है,
तो यही भिन्न होता है, जिसे हम अंश बटे अर के रूप में लिखते हैं, भिन्न होता है। तो भिन्न को हमने मान लिया कि माना वो भिन्न जो है एक्स बटे वाई है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए कंडीशन बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, मतलब एक्स में भी दो जोड़ दिया जाए और वाई हमारा हर इसमें दो जोड़ दिया जाए, तो भिन्न हो जाता है 9/11। एक कंडीशन तो यहां बन गया। तथा दूसरा कंडीशन यहां बनेगा, करा कि अंश और हर दोनों में तीन जोड़ दिया जाए, मतलब यक्स में अंश में तीन जोड़ दिया जाए, हर मतलब वाई में भी तीन जोड़ दिया जाए, तो यह भिन्न हो जाता है 5/6। सिंपल है यहाँ पे। अब इसे हल करेंगे अलग अलग, 11 गुणा इसमें करेंगे तो 11x प्लस 11 × 22 बराबर 9 गुणा इसमें करेंगे तो 9y प्लस 9 × 18। यहां हो जाएगा आपका 11x प्लस 9y इधर आएगा तो -9y, अब बराबर 18 प्लस 22 उधर जाएगा तो -22। यहाँ हो जाएगा आपका 11x अब माइनस के 9y अब बराबर के यहाँ -4। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। इसी तरह इसे हल करेंगे, 6 × 1 में होगा तो हो जाएगा 6x प्लस 6 × 3 = 18, अब बराबर इसका गुणा इसमें 5 में करेंगे तो 5y प्लस 5 = 15। ये हो जाएगा 6x प्लस 5y इधर आएगा तो माइनस के 5y बराबर 15 प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस के 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 6x माइनस के 5y अब बराबर यहाँ हो जाएगा -3। समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब सिंपल देखिए करना आपको क्या है कि अब हमको बोला नहीं है इसमें कि कौन सी विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना है कि वज्र गुणन विधि से, विलोपन विधि से, आप कोई विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करते हैं। तो समीकरण दूसरा देखिए छोटा है इसलिए लिखेंगे, क्योंकि यक्ष का गुणांक 6 है तो लिखेंगे समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा हमारे पास है क्या, 6x माइनस 5y बराबर क्या, -3। अगर मैं यहाँ से 6x की वैल्यू निकालूं, 6x बराबर -3 और -5y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करना क्या पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो -3 और प्लस क्या हो जाएगा 5y और बटे में 6 गुणा में तो जाएगा तो भाग में, मतलब x का वैल्यू आपके पास आ गया -3 + 5y अब बटे में 6। यह समीकरण नंबर क्या मान लीजिए तीसरा। अब इस समीकरण तीसरा का मान रखना है समीकरण एक में, क्योंकि समीकरण दो से निकाला हम तीसरा का मान, तीसरा का मान समीकरण एक में रखने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यक्ष का मान, लिखेंगे यक्ष का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, यक्ष का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक में रखने पे। अब समीकरण एक में रखना है, चलिए रख देते हैं। समीकरण एक है क्या, इसको उतारेंगे। समीकरण एक हमारे पास है 11x माइनस के 9y बराबर -4 दे रखा है। ठीक है, सिंपल। अब जहां पे भी x आएगा वहां पे सारे वैल्यू रख दूंगा, तो 11 अब आ गया x, x आ गया तो यहाँ पे सारा वैल्यू रख दीजिए, -3 और प्लस के क्या हो जाएगा 5y और बटे के 6 और माइनस के यहाँ पे 9y और बराबर -4 दे रखा है यहाँ पे 4। अब सिंपल देखिए 6 से 11 तो कट नहीं रहा है तो पूरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा -33 प्लस 11 5 55 हो जाएगा 55y और बटे क्या हो जाएगा 6। अब माइनस के यहाँ पे हो गया 9y अब बराबर -4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक मान के और एलसीएम ले लिया जाएगा कितना 6। अब 6 से 6 कैंसिल तो पूरा उतर जाएगा कि -33 और प्लस के कितना 55y और बीच में आपका माइनस है, एक भाग 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 को गुणा 9 में करेंगे तो 9 6 54y अब बराबर -4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल। इसके बाद देखिए करना क्या है, इसके बाद आगे हम लोग इसमें करते हैं। यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर। अभी हो जाएगा आपका -33 और प्लस के 55y और -54y अब बराबर 6 को गुणा इसमें हो जाएगा तो -24 हो जाएगा, 6 6 को 24। इसके बाद करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए अब करना क्या है कि -33 और +55y -54y तो बचता है +y बराबर -4 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से y के वैल्यू निकालो तो जाएगा -24 और -33 सुधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से y के वैल्यू में देखूं तो y बराबर क्या हो जाएगा -24 + 33 तो हो जाएगा 9। y बराबर क्या बच जाएगा 9। जब y बराबर 9 बच जा रहा है तो y बराबर 9 का मान समीकरण किस में रख दीजिए तीसरा में, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 9 का मान, यहाँ पे लिखना पड़ेगा y बराबर 9 का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण तीसरा में रख लेते हैं, आसान है। समीकरण तीसरा में रखने पे, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा क्या है हमारे पास, समीकरण तीसरा है कि यक्स बराबर -3 और +5y और बटे के क्या दे रखा है 6। ये समीकरण तीसरा इसी में रखिए तो यक्स बराबर -3 और +5 गुणे वाई, वाई का बोलो कितना 9
अब बटे कितना 6 हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर माइनस के 3 और प्लस 9 5 45, अब बटे कितना हो जाएगा 6। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 में से 3 जाएगा तो 42, अब बटे 6 ठीक है काटेंगे तो x बराबर 6 सात 42, तो x बराबर 7 y बराबर 9, तो अतः वह भिन्न क्या होगा, तो जो भिन्न होगा वो होगा यक्स बटे वाई था, तो यक्स का वैल्यू 7 था, वाई का वैल्यू 9 आ गया था, तो वह भिन्न जो है ना वो 7/9 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको बनेंगे जरूर, इसमें से प्रश्न आएगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आराम से जाके करके आइएगा, क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, कितना बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जाइए, जरूर एग्जाम में फंसेगा ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।